स्टूडेंट वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार्च के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टार्च, कि स्टार्च क्या होता है। तो स्टार्च को पढ़ने से पहले हमें पढ़ने पड़ेगा कि पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पॉलीसेकेराइड को। बात करें पॉलीसेकेराइड की, जिसके अंदर क्या कहता है कि दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, क्या कह रहा है कि दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्या होते हैं मोनोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं, यानी सिंगल मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ थाउजेंड और ठीक है, ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे पास में, उनको हम क्या बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड। इसके बाद में बात करते हैं कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो पॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की अगर आप बात करते हो तो एग्जाम्पल के अंदर कहता है कि आपके पास में आएगा स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास में क्या आएंगे? पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मोनोमर यूनिट छोटे छोटे, यानी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड और थाउजेंड मोनोसैकेराइड यूनिट जब आपस में जुड़ती है तो वो किसकी फॉर्मेशन करती है? पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम पॉलीसैकेराइड को डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड आर ज्वाइंड टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं मोनोसैकेराइड के, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड आपस में ज्वाइंट होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, जहां से वो फॉर्मेशन करते हैं पॉलीसैकेराइड, एग्जांपल के अंदर स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि इट इज द चीफ रिजर्व फूड मटेरियल इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड। क्या होता है कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, यानी जो भी आपके प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर जो फूड को स्टोरेज का काम करता है वो कौन करता है? स्टार्च करता है। प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे मिलेगा हमें? स्टार्च की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें कहता है कि ये क्या है? एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। क्या है? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है जिसके अंदर फूड को स्टोर किया जाता है इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें कहता है कि इट इज मेनली फाउंड इन सीड्स हमें क्या मिलता है? सीड्स के अंदर मिलेगा, रूट्स के अंदर मिलेगा और ट्यूबर्स के अंदर मिलेगा।
क्लियर है सभी को? ठीक है ना, यानी जब भी कोई सीड ग्रो करता है तो उस सीड को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, यानी फूड चाहिए। और स्टार्टिंग में कोई भी सीड फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। कोई भी सीड फोटोसिंथेसिस कब करता है? जब उसकी लीव्स बाहर आती है। ठीक है, तो जब सीड है वो ग्रो करेगा तो उस टाइम पे जो एनर्जी उसको मिलती है वो कहाँ से मिलेगी? स्टार्च से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? स्टार्च से। ठीक है, इसीलिए कहता है कि जो सीड्स होते हैं, रूट्स होती हैं और ट्यूबर्स होते हैं, इनके अंदर क्या फर्क होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो इसके बाद में कहता हाँ, तो इसके बाद में बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, जैसे कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था लास्ट वाले के अंदर कि हमारे पास स्टार्च है C6H10O5 और इसके N मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये जो हमारा स्टार्च है इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करवाओगे यानी H पॉजिटिव और H2, ठीक है ना, तो इसका जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहां से आपको मिलेगा C6H10O5N-। ठीक है ना, मतलब जो स्टार्च है वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ पे जो आपका N है वो ग्रेटर देन होता है N- से, मतलब जो N मॉलिक्यूल्स है वो बड़े रहेंगे और N- क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिले, इसका जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा? माल्टोज। क्या मिलेगा? माल्टोज, यानी C12H22O11। क्या मिलेगा? C12H22O11, जिसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज मिलते हैं। तो यहां से हमें मिलेंगे N मॉलिक्यूल्स ऑफ माल्टोज। और ठीक है, और जब आप माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहां से हमें मिलेगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज। और कौन सा ग्लूकोज मिलेगा हमें? डी ग्लूकोज। समझ में आ गया, मतलब सबसे जो स्मॉल मोनोमर यूनिट है वो क्या है? डी ग्लूकोज है। इसके अंदर मोनोमर यूनिट क्या है? डी ग्लूकोज, यानी जो मोनोसैकेराइड स्टार्च के अंदर वो क्या होता है? डी ग्लूकोज होता है। डी ग्लूकोज आपस में मिलके माल्टोज की फॉर्मेशन करेंगे, माल्टोज आपस में मिलके स्टार्च की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है ना, तो अगर हम बोले कि स्टार्च है हमारे पास में, स्टार्च का जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये कहता है कि स्टार्च का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमें क्या मिलेगा? डी ग्लूकोज मिलेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च? दैट इज डी ग्लूकोज। क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद में बात करता है कि स्टार्च जो होता है आपके पास में इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। स्टार्च क्या होता है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है ना, मतलब ये ना तो टोलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है और ना ही फैलिंग सॉल्यूशन को। तो इट नाइदर रिड्यूस टोलरेंस रिएजेंट नोर फैलिंग सॉल्यूशन, या फिर अगर हम देखें कि जो स्टार्च के अंदर कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो फ्री नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप स्टार्च की फॉर्मेशन करोगे, स्टार्च का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी ग्लूकोज के अंदर जो CO ग्रुप होता है, CHO होता है, CHO के अंदर से जो CO ग्रुप होता है ना, वो CO ग्रुप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो वहां पे वो फ्री नहीं है। और फ्री नहीं है तो ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है सभी को? तो यहां से हम कह सकते हैं कि स्टार्च क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। उसके बाद में बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। कंपोजिशन के अंदर कहता है कि स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। किन से मिलके बना होता है? दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला जो आपके पास में आता है वो आता है अमाइलोज, और दूसरा जो हमारे पास में आएगा वो आएगा अमाइलोपेक्टिन। समझ में आ गया? दो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर, पहला अमाइलोज होता है, दूसरा अमाइलोपेक्टिन होता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कंपोनेंट की,
तो फर्स्ट के अंदर क्या कहता है कि आपके पास में आएगा अमाइलोज। तो अमाइलोज के अंदर क्या कह रहा है कि इट इज ए वॉटर सोल्यूबल कंपोनेंट है स्टार्च विच प्रेजेंट वॉटर सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। कि जो अमाइलोज होता है ये क्या होता है, वॉटर सोल्यूबल कंपोनेंट होता है स्टार्च का। देखो स्टार्च दो चीजों से मिलके बन रहा है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि स्टार्च क्या है, स्प्रिंगली सोल्यूबल है। स्प्रिंगली सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो अमाइलोज होता है वो तो वॉटर सोल्यूबल होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन होता है वो वॉटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अमाइलोज तो वॉटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन है वो वॉटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। मतलब ये डिजोल्व हो जाएगा लेकिन ये अनडिजोल्व रहेगा। इसीलिए स्टार्च क्या होता है, वॉटर के अंदर स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है। समझ में आ गया सभी को? तो ये क्या है, वॉटर सोल्यूबल कंपोनेंट है स्टार्च का। ठीक है, इसके बाद में कहता है कि स्टार्च कंटेन 15-20% ऑफ अमाइलोज। कि जो स्टार्च होता है, स्टार्च के अंदर अमाइलोज कितना होता है, 15-20% क्या होता है आपके पास में अमाइलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में कहता है कि अमाइलोज रिएक्ट विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, या फिर हम यहां पे बोल सकते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमाइलोज रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म टू गिव ब्लू कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनक्लोजिव कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या कह रहा है कि जो अमाइलोज है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमाइलोज है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ में, आयोडीन के साथ में, और वो वहां से क्या देता है, ब्लू कलर देता है सॉल्यूशन का। ठीक है, ब्लू कलर क्यों देता है, क्योंकि वहां पे इनक्लोजिव कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इनक्लोजिव कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इनक्लोजिव कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल होता है, होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर जब कोई गेस्ट मॉलिक्यूल आके स्टे करता है वहां पे, ठीक है, मतलब जो आपका होस्ट मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या रहेंगी, ट्यूब्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि मान लो ये हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है, इसके अंदर छोटी छोटी क्या रहेंगी, ट्यूब्स प्रेजेंट रहेंगी, यानी होल्स प्रेजेंट रहेंगे एक तरीके से। ठीक है, इन होल्स के अंदर कोई भी गेस्ट मॉलिक्यूल आएगा आयोडीन का, ठीक है, और जब ये होस्ट मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी गेस्ट मॉलिक्यूल आके रुकता है इन ट्यूब्स के अंदर, इन वैकेंट स्पेस के अंदर, तो वहां से फॉर्मेशन होती है किसकी, इनक्लूसिव कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये कहता है कि जो आपका आयोडीन होता है, आयोडीन जब अमाइलोज से रिएक्ट करता है, को सॉल्यूशन ऑफ अमाइलोज से रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है, इनक्लूसिव कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसकी वजह से उस कंपाउंड का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है, इसमें कहता है कि दिस कलर disappear on heating and reappear on cooling। कि ये जो कलर है, ये जब हम हीट करेंगे इस सॉल्यूशन को तो क्या हो जाएगा, disappear, यानी जो ब्लू कलर आया है इस सॉल्यूशन को आपने हीट करना है, अगर हीट करोगे तो ये ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, और जैसे ही हम सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो ब्लू कलर दोबारा से रीअपियर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? तो ये है स्टार्च अमाइलोज। दूसरा जो हमारे पास में आता है वो आता है अमाइलोपेक्टिन। इसके बाद में एक बार यहीं पे अगर हम स्टडी करना चाहें तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज अगर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज के अंदर क्या कहते हैं कि इट कंटेन्स 200-1000 यूनिट ऑफ डी ग्लूकोज।
इन विच सी वन ऑफ वन ग्लूकोज इज अटैच्ड विद सी फोर ऑफ अनदर ग्लूकोज। टू फॉर्म ए पॉलीसेकेराइड चेन थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि अमाइलोज के अंदर क्या कहता है कि इट कंटेन 200 टू 1000 यूनिट ऑफ डी ग्लूकोज, जिसके अंदर 200 से 1000 यूनिट होती है डी ग्लूकोज की, जिसके अंदर सी वन ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट, एक ग्लूकोज यूनिट का सी वन अगले ग्लूकोज यूनिट के सी फोर से अटैच होता है थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए लॉन्ग पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज चेन। ठीक है ना, मतलब यहां से फॉर्मेशन करेगा, पॉलीसेकेराइड चेन की फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन होंगी और एक पॉलीसेकेराइड यानी लॉन्ग चेन ऑफ की फॉर्मेशन कर लेंगी। उस लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं? अमाइलोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अमाइलोज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज की, अमाइलोज का स्ट्रक्चर है वो कैसा आएगा, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि सी वन ऑफ वन ग्लूकोज, कि एक ग्लूकोज का सी वन अटैच होता है अटैच्ड विद सी फोर ऑफ अनदर। तो हमने सबसे पहले एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है। अल्फा डी ग्लूकोज है तो एच ऊपर आएगा, ओ एच नीचे आएगा, फिर एच ओ एच, फिर ओ एच एंड एच, फिर इधर आएगा हमारे पास में एच एंड ओ एच, और ये हो जाएगा सी एच टू ओ एच एंड एच। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? एक अल्फा डी ग्लूकोज आ गया, अल्फा डी ग्लूकोज। ये ज्वाइन होगा किसके साथ में? दूसरे अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर। तो यहां से हमारे पास क्या बनाएगा? ये होगा एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच एंड सी एच टू ओ एच और एच। ठीक है, तो ये तो एक अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, ये कहता है कि दोनों यूनिट आपस में कंबाइन होंगी। तो जब ये दोनों यूनिट कंबाइन होंगी तो इसमें कहता है कि ये फर्स्ट है आपका, इसका 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका तो फोर्थ कार्बन ऐड हो रहा है, और पहले वाले ग्लूकोज का हमारे पास में 3 4 5 और 6 फर्स्ट कार्बन। ठीक है, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन आपस में कंबाइन होगा। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, यानी वो H इधर से गया और एक H इधर से चला जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा? हमारे पास में ऑक्सीजन के थ्रू दोनों अटैच हो जाएंगे, क्योंकि OH और OH था हमारे पास में, यहाँ से हमने H2O को बाहर निकाल दिया तो सिर्फ क्या बचा? ऑक्सीजन बचा, और ये H2 हमारा बाहर आ गया। ठीक है, तो जब दो ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की फॉर्मेशन करती हैं विद एलिवेशन ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ H2O, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो हमारा बॉन्ड बना है इसको हम क्या बोलेंगे? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे? C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? ठीक है ना, तो ये दो यूनिट जुड़ी, फिर इससे ऐसे ही अगली ग्लूकोज यूनिट जुड़ेगी, और इधर भी फोर्थ कार्बन से अगली ग्लूकोज यूनिट जुड़ेगी। ठीक है ना, और इसी टाइप से एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी ग्लूकोज की, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाइलोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अमाइलोज। क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? ठीक है ना, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर हमने स्टडी किया कि स्टार्च क्या होता है, वो कहाँ कहाँ पे मिलता है, अकरेंस क्या है, सोर्सेज क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च क्या होती है, और स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज क्या है। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे व्हाट इज अमाइलोपेक्टिन। ठीक
क्लियर है। तो कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।